कभी भी नहीं कहना चाहिए आई विल ट्राई, कोई भी चीज के लिए नहीं कहना आई विल ट्राई। परमात्मा कहता है सिर्फ हां जी करो, हां जी, और बाकी बाकी। जब आपका बच्चा आपको किसी चीज के लिए हां जी करता है तो उसको आपसे क्या मिलता है? पेरेंट भी तो बच्चों को कितनी राय देते हैं ना, बहुत सारी राय को कई बार बच्चे तो आधा सुनने पे ही क्या कर देते हैं, क्या कह देते हैं, या तो कहते हैं टाइम नहीं है, या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है, या कहेंगे हो नहीं सकता। लेकिन अगर पेरेंट ने राय दी और बच्चे ने हां जी किया तो पेरेंट से बच्चे को क्या मिलता है? हाँ, दुआएं, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स वो चीज है जो असंभव को संभव करती है। ब्लेसिंग्स वो चीज है जो जीवन के बड़े से बड़े विघ्न खत्म करती है। ब्लेसिंग्स वो चीज है जो भाग्य को बदल सकती है। ये तो मनुष्य आत्माओं की ब्लेसिंग्स है, परमात्मा की ब्लेसिंग मिलेगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अब थर्सडे से अभी तक जिन जिन चीजों के लिए आप कह रहे थे थिंकिंग, सोचते हैं, ट्राई करेंगे, आज उसको कन्वर्ट करते हैं। और क्या कहते हैं? वो कह रहा है, वो कह रहा है, लाखों का अनुभव है, प्रैक्टिकल प्रूफ सामने देखा है, कल भी देखा था, परसों भी देखा था। तो अब हम भी एक कदम हिम्मत का उठाते हैं। और वो एक कदम हिम्मत का कौन सा है? हाँ जी। तो ऑफिस में नो एंगर जोन करेंगे? हाँ जी। रोज सुबह अपने लिए एक घंटा निकालेंगे? रोज मेडिटेशन करेंगे? सेंटर पर जाकर ज्ञान सुनेंगे? सात्विक जीवन जिएंगे? कम हो गया वॉल्यूम, कम हो गया वॉल्यूम। व्हाइट सर्कल चाहिए ना, व्हाइट सर्कल चाहिए ना? हाँ जी। तो जिसको व्हाइट सर्कल चाहिए वो कोई भी ब्लैक चीज अपने अंदर नहीं आने दे सकता, है ना? तो धन जो आया वो दुआओं से, तो अन्न जो खाया वो भी सात्विक, क्योंकि हम अपने डार्क सर्कल से लाइट सर्कल की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने कुछ भी ऐसा खाया पिया जिसका वाइब्रेशन डार्क है तो फिर मेहनत ज्यादा, रिजल्ट धीरे धीरे। लेकिन अगर हमने अपने खाने पीने की चीजों को सात्विक किया, ये परहेज होता है, ये नियम नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं बड़े नियम है, ये मत करो, ये मत करो, ये नियम नहीं है, ये हमारे फायदे के लिए परहेज है। जैसे कोई डॉक्टर इलाज करता है तो वो क्या करता है? दवा देता है और परहेज बताता है। तो ज्ञान जो है वो दवा है, तो ज्ञान को लेना शुरू किया तो दवा लेनी रोज शुरू की, साथ में परहेज है। कुछ परहेज करते हैं हम, कुछ नहीं करते, लेकिन हम सबको पता है कि दवा के साथ अगर परहेज भी करना शुरू कर दिया तो इलाज जल्दी होगा। सिर्फ 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा जाने के बाद, ओनली थ्री मंथ्स। आप हां जी भी सिर्फ 3 महीने के लिए अपने आप को और बाबा को कीजिए, जीवन भर के लिए हां जी नहीं करना, अभी नहीं करना ही नहीं चाहिए कभी भी, ऐसे ही नहीं मानना कभी भी कोई बात, नेवर एक्सपेरिमेंट, हमेशा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपीरियंस, और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा
तब अपने आप को और परमात्मा को कहना अब जीवन भर के लिए, हाँ जी, पहले तो सिर्फ 3 महीने के लिए, हाँ जी, ठीक, 3 महीने के लिए हाँ जी करें, कि 3 महीने के लिए हम रोज 1 घंटा सुबह ज्ञान सुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे और हम सात्विक अन्न खाएंगे और सात्विक चीजें ही पिएंगे। क्यों ऐसी चीज पिए और खाएं जिससे एनर्जी डाउन होती है? तो यहाँ से जाने से पहले जब आप मेडिटेशन रूम में जाएंगे, जिसको बाबा का कमरा कहा जाता है, वहाँ पे एक बॉक्स है, क्योंकि आए हैं तो कुछ दान भी तो करना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी जाते हैं वापस। दान करेंगे नहीं करेंगे? दान करेंगे ना, कहीं भी जाते हैं तो दान पेटी तो होता है, यहाँ है दान पेटी? दान पेटी कहाँ पड़ी हमारी? एक तो बाबा के घर में दान पेटी भी नहीं रखते। जब ये कार्य शुरू हुआ 80 ईयर्स पहले, आप सोचो एक भी सेंटर नहीं, और एक एक सेंटर बनाना है, इतनी सारी बहनें, इतने सारे भाई समर्पित है, सरेंडर्ड है, इनका ध्यान कैसे रखेंगे, धन कहाँ से आएगा? तो सभी की राय ये होती थी कि कुछ तो थोड़ा, तो थोड़ा मिनिमम तो कुछ कॉस्ट होना चाहिए। तो परमात्मा का डायरेक्शन था नहीं, परमात्मा का डायरेक्शन था कि परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों के लिए इसके ऊपर कभी भी 1 रुपया कॉस्ट भी नहीं लग सकती, ये उसके और बच्चों के बीच की बात है। लेकिन दान तो फिर भी करना है, कौन सा दान करेंगे? तो दान पेटी में दान डाले बिना नहीं जाना, लिख कर उसके अंदर डाल के जाना कि यहां से जाने से पहले मैंने अपने जीवन से कौन सी चीज का दान आज यहां पर कर दिया। क्योंकि इस जगह में वाइब्रेशन है कि लाखों लाखों ने कुछ चीजें दान की थी, तो जहां बार बार वो चीज होती है तो वो वाइब्रेशन में आ जाती है, तो यहां पर दान करना इजियर है। जो चीज छोड़ी वो चीज फिर वापस जीवन में कभी नहीं आई, तो वो इस जगह की वाइब्रेशन के अंदर है, तो यहां पर दान करना इजियर है। ये नहीं कहना वापस जाकर सोचेंगे क्या छोड़ना है, हाँ जी करना है, हाँ जी करना है। व्हाइट सर्कल वाले डिवाइन आत्माएं नेगेटिव वाइब्रेशन का खाना नहीं खाते हैं। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न, तो सात्विक मन ज्ञान से,